सो हे गाइस, वेलकम बैक। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन से आती हुई बहुत बड़ी खबर। आज फाइनल डे में खेले गए थे भारत के तीन मुकाबले। सबसे पहला जैवलिन थ्रो की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। उन्होंने अपना गोल्डन थ्रो किया था 88.17 मीटर, जिसमें वो जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। और सेकंड पोजीशन पर रहे पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने लगभग 87.7 समथिंग मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया। थर्ड पोजीशन पर रहे चेस रिपब्लिक के खिलाड़ी जैकब जी, जो कि थर्ड पोजीशन से ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फोर्थ पर रहे थे जूलियन, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, हो गई बात जैवलिन थ्रो की। दूसरा इवेंट था पारुल चौधरी का 3000 मीटर स्टेपल चेस, जिसमें पारुल चौधरी ने अपना नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन 11th पोजीशन पर खत्म किया 3000 स्टेपल चेस। बट चलिए, नेशनल रिकॉर्ड बनाया और साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और यहां पर तीसरा इवेंट था 4x400 रिले रेस मेंस का, जिसमें भारत ने थोड़ा सा वीक रहा, 5th पोजीशन पर खत्म किया। और इनका टाइमिंग लगभग थोड़ा सा ज्यादा था पर्सनल बेस्ट, और अपने जो लास्ट क्वालिफिकेशन में किया था उससे काफी ज्यादा था। चलिए, कोई बात नहीं। ओवरऑल भारत ने 2022 से अच्छा परफॉर्मेंस 2023 में कर दिया है, एक गोल्ड मेडल जीतकर। उम्मीद करेंगे नीरज चोपड़ा का ये जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहे और इनको बहुत सारे एथलीट्स आगे आकर ज्वाइन करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए पहाड़ी ब्रदर्स। जय हिंद, जय भारत।